उत्तराखंड में एक बार फिर से किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किए बिना अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत को करीब साल भर पहले ही अपना इस्तीफा देना पड़ गया, जिसके बाद से ही लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रावत के सीएम पद से इस्तीफा देने के पीछे असल वजह क्या है। ऐसे में आइए जानते हैं रावत की विदाई की पटकथा कैसे लिखी गई। खबरों की माने तो बीजेपी के कई विधायकों और कुछ मंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खासे नाराज थे, जिसे प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने से पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पार्टी और विधानमंडल दल में बगावत जैसा संकट गहरा गया। इसके बाद पार्टी ने पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम को रायशुमारी करने के लिए देहरादून भेजा था, जहां उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों से 7 बैठक की। बताया जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ देहरादून में हुई बातचीत के दौरान बीजेपी के विधायकों ने दो टूक कहा कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में 2022 का चुनाव होगा तो फिर पार्टी की जीत मुश्किल है। जाहिर है विधायकों के मन की बात जानने के लिए बीजेपी के कान खड़े हो गए और वो एक्टिव हो गयी। इसके बाद पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदले जाने की बात कही। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक दिल्ली तलब किया गया और इसी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम की कुर्सी छोड़ने का फरमान सुना दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी से मुलाकात की। उधर रावत के दिल्ली जाने के बाद से ही दिल्ली से लेकर देहरादून तक के सियासी गलियारों में रावत को बदले जाने के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सीएम बदलने की अटकलों को खारिज करते रहे। इतना ही नहीं, मुन्ना सिंह चौहान ने विधायक दल की होने वाली औपचारिक बैठक से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि सीएम रावत को पार्टी का पूरा समर्थन है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली से देहरादून पहुंचते ही सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल गए और उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही 4 साल पूरे होने से 9 दिन पहले ही रावत की विदाई हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट।